चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल के अंदर हम लोग ये देखेंगे टाइम टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, यानी किसी दिए गए बिंदु से गुजरने में किसी प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगता है उसकी बात करेंगे। ओके, मान लिया जाए भाई ये तो आपकी वाई एक्सिस है और सपोज दैट ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, वाई एक्सिस है, और मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल की सिचुएशन मेरी सपोज दैट ये बनी। ओके, मान लिया जाए यहाँ जो है वही पुरानी कंडीशन, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है, यू है, तो इस तरफ जो होता है यू कोस अल्फा होता है, वेलोसिटी का कंपोनेंट ऊपर की तरफ होता है यू साइन अल्फा। ओके, और ये वाला एंगल होता है अल्फा। मान लिया थोड़ी देर के बाद पार्टिकल जो है पॉइंट पी के ऊपर पहुँचता है और पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो ए कोमा बी है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, क्लियर है ना, इस टाइम की बात करता हूँ। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट, पहले थोड़ी सी थ्योरी है वही पुराना, सपोज दैट ए पार्टिकल वेलोसिटी यू से अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है, अल्फा एंगल से क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। एक बात और भी बेटा, यहाँ से अगर मैं सिचुएशन नोट करूँ, एक तो डिस्टेंस ये होगी और दूसरे वाली जो डिस्टेंस होगी ये तो मेरी वाई एक्सिस वाली होगी और ये वाली होगी मेरी एक्स एक्सिस वाली, ऐसे आप खुद भी देख सकते हो दूरी का मेजरमेंट तो ऐसे ही होगा ना, ये तो वाई होगी और ये होगी मेरी एक्स। वो एक अलग बात है, वाई इज इक्वल टू क्या होगी, बी होगी, और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, लेकिन सिचुएशन सेम यही होगी, क्लियर है ना। आगे की बात करता हूँ, तो मेरे पास जो है सबसे पहले मैं ए की बात करूँगा, तो पॉइंट पी पर, पॉइंट पी ए कोमा बी पर, ठीक है ना, ये वाली दूरी की बात कर रहा हूँ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ओके, पॉइंट पी ए कोमा बी पर पहुँचने में, अगर जाने में मेरा टाइम कितना लगता है, पहुँचने में टी टाइम लगे तो, टी टाइम लगे तो, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ, तो मेरे पास ए बराबर होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ए बराबर चाल, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है ना, इस तरफ चाल कितनी है, वो है यू कोस अल्फा और इनटू टाइम मैंने मान रखा है टी, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी है, क्लियर है ना। इस तरफ अगेन ऊपर की बात करता हूँ, अगेन पार्टिकल ऊपर की तरफ है, वाई इज इक्वल टू जो मेरे पास होगा बेटा वो होगा यू साइन अल्फा, आपको पता है फार्मूला है, माइनस एक बटे दो यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस एक बटे दो जी टी स्क्वायर, ऊपर की तरफ एच बराबर यू टी माइनस एक बटे दो जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एच का जो वाई की फॉर्म में है, एच बराबर वाई है और यू बराबर यू साइन अल्फा है ऊपर की तरफ, आपको पता है अगर आपसे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से बेटा वाई इज इक्वल टू पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर वाई इज इक्वल टू कितना होगा, पॉइंट पी पर y इज इक्वल टू होगा b होगा। ओके, y इज इक्वल टू b पुट किया तो b बराबर मेरे पास कितना निकला बेटा, वो ये निकला यू टी साइन अल्फा माइनस एक बटे दो जी टी स्क्वायर, माइनस एक बटे दो जी टी स्क्वायर, फ्रा गेट बंद कर हवा आ रही, तो मैं इसको इधर लेकर के आया और यहाँ से रिजल्ट देखा मैंने कितना निकला, मेरे पास ये निकला बेटा b प्लस एक बटे दो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ यू टी साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो बेटा आप क्या है, ये है मेरे पास इधर यू कोस अल्फा, यू टी कोस अल्फा, यू टी कोस अल्फा
बराबर है ए, इक्वेशन नंबर वन। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों का स्क्वायर करके मैं अगर ऐड करूँगा तब देखते हैं रिजल्ट कितना आता है। मैं कहना चाह रहा हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक व सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर पहले पहले वाली का वर्क कर लो आप। यहाँ से पहले वाली का जब मैं वर्क करूँगा ये होगा b प्लस एक बटे दो जी टी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा u स्क्वायर t स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। अगले वाली का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा u स्क्वायर t स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। दोनों को ऐड कर लो भाई। जैसे ही मैंने दोनों को ऐड किया मेरे पास ये निकला बेटा ए स्क्वायर प्लस, अगले वाली हुई मेरे पास बी प्लस एक बटे दो जी टी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यू स्क्वायर टी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इधर से मैंने इधर तो एज इट इज रखा, यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये मेरे पास बना बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा जो कि वन के बराबर हो चुका। अगले वाले पेज पर देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। तो यहाँ से सीधा सीधा मेरे पास जो निकल करके आया भाई अगले वाला ए स्क्वायर तो हुआ ये प्लस बी प्लस एक बटे दो जी टी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ बेटा यू स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये तो हो चुका वन। क्लियर है ना। आगे की बात करता हूँ, मैंने इसका स्क्वायर खोला और इसको हल किया, देखता हूँ कितना आता है। ये मेरे पास निकला बेटा ए स्क्वायर प्लस, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा कितना निकलेगा भाई ध्यान से देखना, पहले वाली का स्क्वायर प्लस अगले वाली संख्या का स्क्वायर वन अपॉन फोर जी स्क्वायर टी की पावर फोर प्लस दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टी स्क्वायर, दो से दो कैंसिल। क्लियर। सबसे पहले पावर फोर वाला स्टेप लिखता हूँ उसके बाद करूँगा मैं। ये हुआ वन अपॉन फोर जी स्क्वायर टी की पावर फोर, और अब पावर टू वाला स्टेप देखता हूँ। पहले वाला स्टेप तो मैंने ये लिख दिया, पावर टू वाला स्टेप प्लस मेरे पास कितना निकला भाई यहाँ से देखो आप, एक तो निकला बी जी टी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर टी स्क्वायर पावर दो वाला स्टेप, और प्लस के मैंने लिखा कितना भाई, प्लस के लिखा मैंने ए स्क्वायर बचा हुआ है और प्लस के बी स्क्वायर बचा हुआ है बराबर हुआ जीरो के, आपके सामने है। आगे इधर चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा वन अपॉन फोर तो ये हुआ ही, ये हुआ जी स्क्वायर टी की पावर फोर प्लस टी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास निकला बी जी माइनस के यू स्क्वायर और प्लस के हुआ बेटा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सपोज दैट इक्वेशन वन है या ए मान लो आप। ओके, ध्यान से देखना, इक्वेशन ए जो है टी स्क्वायर में क्या है, क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने है। ओके, माना इसके रूट, माना इक्वेशन ए के रूट पहले वाला तो मान लिया टी वन स्क्वायर, दूसरा मान लिया मैंने टी टू स्क्वायर हो, तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि भाई रूट जो है जिस फॉर्म में दी हुई होती है उसी फॉर्म के अंदर रूट लेते हैं। क्लियर है ना। ओके, तो देखना बेटा पहले बेसिक बता रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो के रूट, अगर इसके मूल जो है पहले वाला एक्स वन हो और दूसरा एक्स टू हो तो मेरे पास
एक्स वन प्लस एक्स टू होता है बराबर माइनस के बी अपोन ए, इलेवेंथ क्लास का फार्मूला है, और गुणा एक्स वन इंटू एक्स टू होता है सी अपोन ए। इन दोनों फार्मूलों को मैं यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालता हूँ अभी के अभी, देखता हूँ क्या आता है। ओके, मेरे पास जो इक्वेशन है, एक बार फिर इक्वेशन लिखो आप, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। इक्वेशन है मेरे पास वन अपॉन फोर है, जी स्क्वायर है टी की पावर फोर है, प्लस के टी स्क्वायर है, बी जी है माइनस के यू स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो है। मैंने रूट मान रखे हैं टी वन और टी टू। यहाँ से ए वन, ए देखो आप कितना है, ए बराबर जो आपके पास निकला वो वन अपॉन फोर जी स्क्वायर निकला, ये होगी ना ए की वैल्यू, और बी बराबर आपके पास निकला बी जी माइनस के यू स्क्वायर, और सी बराबर आपके पास निकला ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर है ना? तो मूलों के योग की बात करता हूँ, मूलों का योग होगा मेरे पास टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू डाली बी जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू डाली जी स्क्वायर अपॉन फोर। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलता हूँ, ये निकला टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, फोर तो ऊपर पहुँच गया, फोर माइनस के निशान से गुणा कर दिया, ये निकला मेरे पास कितना बेटा यू स्क्वायर माइनस के बी जी अपॉन जी स्क्वायर। क्लियर है ना? आगे की बात करता हूँ, टी वन टी टू की बात कर लेता हूँ, बोलने टी वन टी टू देखता हूँ भाई, यहाँ से मेरे पास जो टी वन टी टू, एक बार इसको लिखता हूँ मैं पहले, कभी फिर प्रॉब्लम हो जाए, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर यू स्क्वायर माइनस के बी जी अपॉन जी स्क्वायर, सपोज दैट इक्वेशन बी है। ओके, यहीं से देखता हूँ मैं टी टू की बात, देखता हूँ कितना आता है टी टू, कैसे कैसे टी वन टी टू की बात करता हूँ बेटा। ये मेरे पास इक्वेशन रखी हुई है, मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, टी वन स्क्वायर इंटू टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है ना, ठीक है ना? मैंने यहाँ ऊपर फार्मूला बताया सी अपॉन ए, सी की वैल्यू देखो आप, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू देखो जी स्क्वायर अपॉन फोर। क्लियर? इधर लिख रहा हूँ बेटा, ये हुआ टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे की तरफ देखता हूँ बेटा, एक छोटा सा ग्राफ है, ध्यान से देखना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मान लिया जाए ये मेरा जो है सिचुएशन ये है, सिचुएशन देखता हूँ क्या है और फिर आगे की तरफ चलूँगा। मान लिया यहाँ से प्रोजेक्टाइल जो है ना ऐसे जा रहा है ना, मैंने पॉइंट यहाँ ले रखा है ना पी पॉइंट, ये ए कोमा बी लिया हुआ है ना, ये वाली दूरी मेरी बी है जो वाई के बराबर है, ये वाली दूरी मेरी ए है जो एक्स के बराबर है। मान लिया जाए मैं यहाँ से इसके ऊपर इसकी बात करता हूँ, यहाँ से ये वाली दूरी अगर आर है, यानी मेरी सिचुएशन जो है वो इस तरह से है, अगर ऐसे हो ये वाला पॉइंट जो मैंने लिया, अगर ये वाली दूरी आर हो, ओके ये वाली डिस्टेंस मेरी आर हो जाए, तो एक दूरी तो ये है, ये वाली दूरी बी है, और ये वाली जो जितनी ऊपर है उतनी ये है, तो ये जो होगी ना आर, ध्यान से देखना बेटा पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। क्लियर है ना? मैं इसी कंसेप्ट का इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। माना, थोड़ा सा देखो आप, उसके बाद आगे एक तरफ चलूँगा। माना यहाँ से ये जो मेरा प्रोजेक्टाइल था ओ पी इज इक्वल टू कितना है, ओ पी इज इक्वल टू आर हो तो, मैंने आपको समझा चुका हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होगा, फिक्स कंडीशन पैदा हो चुकी।
क्लियर है ना, वैल्यू डालता हूँ वो रिजल्ट निकालता हूँ, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले टी वन और टी टू की बात करूँगा मैं। टी वन टी टू का स्क्वायर यहाँ देखो वैल्यू आप कितनी आ रही है, ये हुआ टी वन स्क्वायर इंटू टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितनी आ चुकी, आर स्क्वायर अपॉन कितना हुआ भाई जी स्क्वायर, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, यानी यहाँ से मेरे पास अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं टी वन इंटू टी टू का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ बेटा टू आर अपॉन जी का कंप्लीट स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, कितना निकला यहाँ से मेरे पास टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू जो निकला वो निकला बेटा टू आर अपॉन जी। अब देखो फिर आर मैंने क्या ले रखा है, इधर अगर आपसे बता रहा हूँ, ये मेरे पास पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट ओ है, आप यहाँ से देख लो इससे, ये वाला पॉइंट पी है, आर इज इक्वल टू कितना है ओ पी है ना, क्योंकि आर इज इक्वल टू मैंने माना है ओ पी, तो टी वन टी टू मेरे पास निकलेगा बेटा टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू होगा टू इंटू ओ पी अपॉन जी, क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ, ओके एक रिजल्ट तो मेरे पास निकला ये, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए अब देखना बेटा, इसी के ऊपर कह रहा हूँ मैं, माना पार्टिकल रेस्ट से विराम अवस्था से, ठीक है ना, नीचे की ओर पॉइंट पी से गिरने में मान लिया टी टाइम लेता है तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, क्या होती है भाई, एस बराबर होता है यू टी प्लस एक बटे दो जी टी स्क्वायर, एस तो आर हो जाएगा ना, एस बराबर आर हो जाएगा, यू बराबर हो जाएगा ज़ीरो, अर्थात आर बराबर जो मेरे पास होगा बेटा, आर की वैल्यू जो मेरे पास निकल कर के आएगी वो होगी वन अपॉइंट टू जी टी स्क्वायर। इस सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन पैदा होती है जहाँ से आप टी स्क्वायर की बात करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू निकला बेटा मेरे पास टू आर अपॉन जी, देखो आप टू आर अपॉन जी निकल गया। अगर मैं ये देखो आप यहाँ से टू आर अपॉन जी की बात करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास निकला बेटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर अपॉन जी की वैल्यू डाली मैंने टी वन इंटू टी टू, यानी टी इज इक्वल टू जो मेरे पास निकला अंडर द रूट टी वन इंटू टी टू निकल गया, ओके कोई मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात विराम अवस्था से आर गहराई तक जो गिरने में लगा समय है वो दोनों समूह के गुणनफल के बराबर होगा, एक तो आप ये बोल सकते हो, या आप चाहो तो आंसर यहाँ भी दे सकते हो, मैंने और डिटेल में बता दिया है। ओके मैं फिर कह रहा हूँ, विराम अवस्था से आर गहराई तक गिरने में जो टाइम है वो दोनों समय के वर्गमूल के गुणा के बराबर होगा। ओके चलो बाकी आगे देखते हैं।